Welcome students to the online classes. This is Renu Kherajani and today's topic is challenges of life. Why do people shift from one place to another? Students, one question is ki log ek jagah se dusri jagah pe kyun shift hote hain? Why do people shift from one place to another? Here we go. Anima has recently joined Rohit's school. Her father had been transferred from Kolkata to Delhi. So the family had to move to Delhi. Anima jo hai, usne recently Rohit ka school join kara hai. Anima ke jo father hai, unka hali mein Kolkata se ab wo Delhi mein aa gaye hain. Aur ab unki jo family hai, ab wo Delhi mein settle ho gayi hain. Manhar lost his entire crop due to drought in Odisha. मनहर की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई है क्योंकि उड़ीसा में सूखा जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ती है उस वजह से उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय यानी कि ख़राब हो गई है. ही मूव टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ अ जॉब लेटर ही सेटल देयर. इसके बाद मनहर बॉम्बे की तरफ मूव करता है और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो वहाँ पर जाता है और बाद में वो वहीं पर सेटल हो जाता है. गगनदीप बिकम ए इंजीनियर एंड गॉट अ वेरी गुड जॉब इन अमेरिका. आफ्टर वर्ड्स ही टुक हिज एंटायर फैमिली टू अमेरिका एंड सेटल देयर. गगनदीप इंजीनियर बन गया है और उसके बाद उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है अमेरिका में और इसके बाद वह अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में सेटल हो गया है. डॉक्टर जेनी केम टू इंडिया फ्रॉम जापान टू स्टडी डेंटल सर्जरी. डॉक्टर जेनी जापान से इंडिया आए थे डेंटल सर्जरी के लिए पढ़ाई करने. उसके बाद उन्होंने अपना क्लिनिक इंडिया में ही खोला. आफ्टर दिस ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन गर्ल एंड ही नेवर वेंट बैक. इसके बाद उन्होंने इंडियन गर्ल से शादी कर ली इंडिया में और उसके बाद वो वापस नहीं गए कभी भी. पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वेरियस रीजन्स. सम ऑफ द रीजन्स आर बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत सारे कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फॉर स्टडिंग. फॉर स्टडी मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को जहाँ पे पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तो वो गांव से शहर में या फिर शहर से एक अच्छे दूसरी कंट्री में आते हैं पढ़ने के लिए फॉर देयर बेटर एजुकेशन. The second one is in search of job or transfer from office. Second point है हमारा job ढूँढने के लिए. Job ढूँढने के लिए या किसी का transfer हुआ हो. पहले कोई दिल्ली काम करता हो और अब उसका office से transfer हो गया है बॉम्बे के लिए तो वो person दिल्ली से बॉम्बे उसका transfer हो गया है तो वो अब एक जगह से दूसरी जगह shift करेगा. And the third point is marriage. जब भी किसी लड़की की मैरिज होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना घर छोड़कर अपने इन-लॉज के घर जाती है तो ये भी एक तरीके की शिफ्टिंग है विच इज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फोर्थ पॉइंट इज़ माइग्रेशन टू अनदर कंट्री टू गेट बेटर फैसिलिटीज़. माइग्रेशन मीन्स शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू गेट बेटर फैसिलिटीज़. फिफ्थ इज़ नेचुरल डिज़ास्टर. अगर किसी जगह पे नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गई फ्लड बाढ़ आ गई तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. सिक्स पॉइंट इज़ डिवीज़न ऑफ फैमिली. फैमिली के डिवीज़न की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग मास शिफ्टिंग. During partition of our country in 1947, there was a mass-scale migration across the borders of the two countries, India and Pakistan. Many people lost their lives in a communal violence. Those who reached to the other side safely had to live in camps till they could arrange a new home for themselves. Students, 1947 mein jab partition hua tha hamari country ka, to पार्टीशंस में बहुत लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन यानी कि बहुत बड़े स्केल में लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे एंड विच इज़ अक्रॉस द बॉर्डर्स.
बहुत सारे लोगों ने अपनी वहाँ पे लाइव्स को लॉस्ट किया, दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और जो लोग सेफली दूसरे साइड तक पहुँच गए थे उनको भी वहाँ पे कैंप्स में रखा गया, तब तक रखा गया जब तक वो अपने लिए एक नया घर डेवलप नहीं कर सके, एक अरेंज नहीं कर सके। तो वो एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन थी, बहुत प्रॉब्लमैटिकल सिचुएशन थी लोगों के लिए। दीज पीपल हैड टू स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच विद द हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मोस्ट ऑफ देम वर सक्सेसफुल वंस अगेन। उसके बाद लोगों को शुरू से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी थी, अपनी हार्डवर्क और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की मदद से उन लोगों ने दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। दे जस्ट अरेंज देयर न्यू होम्स और दोबारा से अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ उन्होंने स्टार्ट करी। समटाइम्स मैनी पीपल हैव टू शिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं वो लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, जैसे कि आपका अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा हैड टू बी डिस्प्लेस्ड टू सफर प्लेसेस आफ्टर फ्लड्स डिस्ट्रॉय देयर प्रॉपर्टी एंड कैटल। दीज फ्लड्स अकर्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन्स आफ्टर द साइक्लोन इन फालीन। लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, गंजम डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है वहाँ के लाखों लोगों को वहाँ से दूसरी सेफर प्लेसेस में, सुरक्षित जगहों में उनको शिफ्ट करा गया, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी और कैटल, जितने भी एनिमल्स वगैरह थे, वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि वहाँ पे पूरा नुकसान हो गया। दीज फ्लड्स अकर ड्यू टू कंटिन्यूस रेन्स आफ्टर द साइक्लोन इन फालीन। ये बाढ़ आई किस वजह से? क्योंकि फालीन में साइक्लोन आने की वजह से और कंटिन्यूस बारिश होने की वजह से इन जगहों पे भी बाढ़ की स्थिति हो गई। समटाइम्स पीपल हैव टू डिस्प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट प्लान्स टू यूज देयर स्पेस फॉर सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, मेकिंग न्यू रोड्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि लोगों को अपना जो घर होता है वो वहाँ से उनको जाना पड़ता है गवर्नमेंट प्लान्स के वजह से। गवर्नमेंट प्लान्स की वजह से, जैसे कोई भी आप अगर आपको कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है या कोई रेलवे ट्रैक वहाँ पे लगना है या फिर वहाँ पे नए रोड्स, नई सड़कें बन रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्लान लोगों को अपना घर, अपनी जगह को छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों के माइग्रेशन के लिए। द सरदार सरोवर डैम ओवर रिवर नर्मदा इज मीन्ट टू इरीगेट मैनी एरियाज इन गुजरात एंड राजस्थान। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी के पास है इज मीन्ट टू इरीगेट मैनी एरियाज इन गुजरात एंड राजस्थान। जो गुजरात और राजस्थान के बहुत सारे एरियाज में पानी की सप्लाई करता है। दे इरीगेट मैनी एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। इट ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ड्राई एरियाज इन गुजरात। सरदार सरोवर डैम प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू वेरियस ड्राई एरियाज इन गुजरात। लेकिन बहुत सारे लोगों को, यानी कि लैक्स ऑफ पीपल जो इन एरियाज़ के आसपास रहते थे, उन लोगों का जो घर था, उनका जो शेल्टर था, वो उन लोगों से छीन लिया गया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपनी जगह, अपना स्पेस वहाँ से हटाना पड़ा, उनको वहाँ से मूव करा गया। तो इट अफेक्टेड मैनी पीपल लाइवलीहुड।
चैलेंजेस ऑफ शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, क्या आपके लिए ये इजी होगा अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको कहीं और जाके शिफ्ट होना है, आप अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाइए। इट्स वेरी टफ। अपने जगह, अपने आसपास के लोग, अपने नेबर्स, अपना शहर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस इज नॉट वेरी ईजी। पीपल हैव टू सर्च फॉर न्यू जॉब्स और बिजनेस, दे हैव टू अरेंज फॉर न्यू हाउसेज एंड ऑल द असेंशियल थिंग्स। अगर हम कहीं पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, अगर शिफ्टिंग है स्टूडेंट्स, तो ईजी टास्क बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग जॉब्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत टफ है ये कि अपने लिए वो न्यू हाउसेस सबसे पहले अरेंज करें, उसके बाद सारी की सारी असेंशियल थिंग्स, जो ज़रूरत का सामान है, वो अपने लिए अरेंज करें। दे टेक टाइम टू नो एरिया एंड द पीपल। उनको वहाँ पे सेटल होने में, वहाँ के लोगों को समझने के लिए, वहाँ का एरिया समझने के लिए, वहाँ की लैंग्वेज समझने के लिए उनको टाइम लगता है, और उनको थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी बहुत होती है। दे हैव टू एडजस्ट टू द डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज, फूड, क्लाइमेट एंड अदर थिंग्स। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फूड, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की बाकी चीज़ों के साथ साथ भी उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब भी बच्चे किसी न्यू स्कूल में जाते हैं, तो अपने नए टीचर्स के साथ, नए बुक्स के साथ, नए क्लासमेट्स के साथ वहाँ पे भी उनको बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। चैलेंजेस ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटीज। Sometimes due to an accident or an illness, we lose an important part of our body. Some people take it very seriously and never get over it, but some people accept the challenge bravely and shine in the world. Here are the few examples of such people. Now students, अब हम जो बात करेंगे वो उन persons की बात करेंगे जिनको physically disabilities होने के बावजूद भी they never lose their hope. उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी है और उन्होंने हर चैलेंज का बिल्कुल निडरता के साथ उनका सामना किया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कभी कभी एक्सीडेंट या किसी इलनेस की वजह से किसी पर्सन का कोई इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट वो लॉस कर लेता है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और वो बिल्कुल हार मान जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो उस चैलेंज को हिम्मत के साथ एक्सेप्ट करते हैं और अपने चैलेंज में जी जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी इन लोगों के, जिन लोगों ने ब्रेवली के साथ अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा है। द फर्स्ट वन इज सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन वॉज बॉर्न इन चेन्नई, साउथ इंडिया। शी डिड एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम मिथिबाई कॉलेज, मुंबई। शी गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट एंड द डॉक्टर्स हैड टू एम्पुटेट हर लेग। इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, बट शी ब्रेवली ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट। स्टूडेंट्स, आपको जो इस पिक्चर में एक लेडी दिखाई दे रही है वो है सुधा चंद्रन। आपने इनको शायद टीवी पे भी देखा होगा। शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म चेन्नई में, साउथ इंडिया में हुआ था। उन्होंने एमए किया था इकोनॉमिक्स में फ्रॉम द कॉलेज इन मुंबई। शी गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक बार एक एक्सीडेंट में उनके जो लेग्स हैं वो इंजर्ड हो गए थे और डॉक्टर ने उनके लेग्स काट दिए थे। एम्पुटेट मींस काट देना, टू कट ऑफ। इट वाज अ टफेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। ये बहुत मुश्किल भरा समय था उनके लिए, लेकिन
इतनी मुश्किलों के बाद भी सुधा चंद्रन ने ब्रेवली हिम्मत के साथ अपनी इस डिसेबिलिटी के साथ वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ी और एक प्रोस्थेटिक जयपुर फुट यानी कि एक नकली पैर के साथ उन्होंने इस फिज़िकल डिसेबिलिटी को ओवरकम किया और वो आज भी अपनी लाइफ को हमारे जैसे ही जीती हैं। नाउ शी इज़ अ वेल नोन भरतनाट्यम डांसर एंड एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन एंड फिल्म्स। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद वेरियस अवार्ड्स। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी सच पीपल। नाउ आपको भरतनाट्यम डांसर, शी इज़ अ वेरी वेल नोन भरतनाट्यम डांसर एज वेल एज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस इन टेलीविजन एंड फिल्म्स। इसके साथ साथ सुधा चंद्रन को बहुत सारे अवार्ड्स के साथ उनको ऑनर किया गया है। अरुणिमा सिन्हा इज़ अ फॉर्मर नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, लॉस्ट हर लेग व्हेन अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स थ्रू हर आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। अरुणिमा सिन्हा इज़ अ वेरी फेमस नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। उन्होंने अपनी जो लेग्स हैं वो कब खोए थे, जब एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स ने उनके ऊपर अटैक करा था और उनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया था। लेकिन इसके साथ उन्होंने कभी भी लाइफ में अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके पास अगर लेग नहीं है तो वो कुछ और नहीं कर सकती। उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग्स को अपनी फिट बॉडी से फिट करा और उन्होंने इसके बाद बहुत हार्ड वर्क करा। उन्होंने स्किल्स सीखी कि किस तरीके से माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं और अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की मदद से वो फर्स्ट लेडी बनी जिन्होंने प्रोस्थेटिक लेग की हेल्प से माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया इन May 2013। तो शी वॉज अ ब्रेव गर्ल एंड शी नेवर हैड लॉस्ट हर करेज। हेलन एडम्स केलर, हेलन एडम केलर जो थी वो ब्लाइंड थी और वो डेफ भी थी। ना उन्हें सुनाई देता था और ना ही उन्हें दिखाई देता था। शी वॉज अ फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। हेलन एडम्स केलर फर्स्ट वुमेन थी जो डेफ और ब्लाइंड थी लेकिन उन्होंने बैचलर्स डिग्री ऑफ आर्ट्स अर्न किया, यानी कि उनके पास आर्ट्स की एक बैचलर डिग्री थी। शी वॉज एन ऑथर एंड अ लेक्चरर। शी शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन इन गेट दिस ऑनर। वो एक ऑथर थी, एक लेक्चरर थी। उन्होंने इस ऑनर को अर्न करने के लिए उन्होंने एक बहुत एक्स्ट्रा करेज दिखाया और डिटर्मिनेशन दिखाया टू अचीव हर गोल्स दिस ऑनर। अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हर सक्सेस गोज टू हर टीचर एनी सुलिवान हु वर्कड रियली हार्ड टू टीच एंड नर्चर हर। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो उनकी लाइफ में उनको सक्सेसफुल बनाया है उसका क्रेडिट उनकी टीचर्स को जाता है क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। उन्होंने उनको टीच करना, उनको पढ़ाया और उनको नर्चर किया। हेलन मास्टर सेवरल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टच लिप रीडिंग ब्रेले स्पीच टाइपिंग एंड फिंगर स्पेलिंग। हेलन ने इसके साथ साथ बहुत सारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस को लर्न किया जैसे कि लिप रीडिंग, उस ब्रेले इज अ टाइप ऑफ ब्रेले इज अ टाइप ऑफ राइटिंग अ लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ रेज डॉट स्पीच टाइपिंग एंड फिंगर स्पेलिंग। सुलिवान्स इंटायर स्टोरी हैज़ बीन शोन इन द फिल्म द मिरेकल वर्कर्स। द इंडियन फिल्म ब्लैक इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टोरी। सुलिवान्स की जो इंटायर स्टोरी थी वो आपको द मिरेकल वर्कर्स इस फिल्म में आपको ये उनकी सारी स्टोरी दिखाई देगी। उसके साथ साथ द इंडियन फिल्म ब्लैक भी इसी स्टोरी पर ही बनी है।
Stephen Hawking is a very well-known physicist. He shot into fame in spite of several paralyses. Stephen Hawking जो थे, it's a very well-known physicist. इतने पैरालाइज होने के बाद भी वो काफ़ी फेमस थे. इसके साथ साथ वो एट द एज ऑफ 21 उनको एक बहुत ही सीरियस हेड इंजरी हुई और उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए कंप्लीटली. ही रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. दिस बुक मेड हिम वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. In 2009, he was awarded the Presidential Medal of Freedom. Stephen Hawking is a role model for all young scientists. उन्होंने एक बुक लिखी थी एंड उस बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. उनकी जो बुक थी वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुई और 2009 में उनको Presidential Medal of Freedom के साथ अवॉर्डेड किया गया. Stephen Hawking is a role model for the young scientist. Stephen Hawking जितने भी young scientist हैं उनके लिए एक role model है, उनके लिए एक inspiration है. Thank you for watching.